हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी हियर। सो हमने प्रीवियस पार्ट में हम चैप्टर वन के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। दो टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़े थे हमने, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द सेल्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जिसे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। सो सेल्स क्या होते हैं? आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड सेल। देखो, सेल जो है साइंस में ही आपको इसके डिफरेंट मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, सेल्स क्या होते हैं? जो हम बैटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बायोलॉजी में हम जैसे पढ़ रहे हैं, सेल जो है एक डिफरेंट चीज़ है। तो क्या है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी बॉडी है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते ज़रूर छोटे हैं, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा होता है। वो बिल्कुल हमारी फंक्शनल यूनिट होती है कि जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है एक छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, उनको हम बोलते हैं सेल। इस वीडियो में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी सेल का। तो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। सेल जो है काफ़ी सारी चीज़ों का बना होते हैं, ठीक। उसके जो आपके लेवल की हैं, एक दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, तो हायर क्लासेस में हम सेल को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, द थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एक सेल है, जो उसकी बाउंड्री होगी बाहर वाली, उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, फाइन। न्यूक्लियस क्या होता है? अब पूरा मैंने सेल बनाया, बाउंड्री को तो मैंने कह दिया सेल मेम्ब्रेन। अब उस सेल के अंडर ही एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और भी सेल के अंदर बहुत कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, बहुत कुछ है, उसके लिए हम हाई क्लासेस में अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आप इस पिक में देख सकते हैं सेल बना हुआ है, ह्यूमन सेल। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेल की बाउंड्री क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियस है, लिक्विड प्रेजेंट है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म, फाइन। तो आपको सेल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स। प्लांट्स जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फूड को खुद बनाते हैं, बट बनाते कैसे हैं ये भी हमें पता है, फोटोसिंथेसिस। बट फोटोसिंथेसिस के अंडर होता क्या क्या है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में मेनली हमें क्या क्या चाहिए होता है, या प्लांट्स का फूड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बेसिकली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, हमें मेनली ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। अब वो तीन चीज़ें प्लांट्स के पास आती कैसे हैं और उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है अपना फूड किस प्रोसेस से कुक बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से, ठीक। फोटो वर्ड इज़ यूज फॉर लाइट, यानी कि सनलाइट, दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्टली इज वाटर। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। अब वाटर है, हम क्या करते हैं, पौधे के ऊपर तो पानी नहीं देते, रूट्स में देते हैं, ज़मीन पे देते हैं। तो यानी कि उस पानी को एब्जॉर्ब किसने किया? रूट्स ने। अब वो रूट्स क्या करेंगे, उस पानी को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगी? लीव्स तक, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है, हम जनरली भी बोलते हैं जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ करने के लिए क्या, कौन सी गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन बाय स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब लीव्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब देखिए, पिक में भी हम देख सकते हैं स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल से बना हुआ, इसके साइड में गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब लीव्स क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगी, यानी कि स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उसके अंदर स्टोर करेगा। थर्ड इज़ सनलाइट। देखो, हमने वाटर पढ़ लिया, लीव्स तक कैसे पहुँचा? रूट्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँची? स्टोमेटा के थ्रू। अब सनलाइट क्या होगी? सनलाइट इज़ टेकन बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारे लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। अब इस बात पे ध्यान देना है हमने कि जिन लीव्स के अंदर या जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। और सनलाइट कहाँ से आती है? ली जाती है क्लोरोफिल से। जहाँ पर क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता।
तो क्लोरोफिल क्या होगा, एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर जो लीव्स को ग्रीन बनाता है, वो क्या करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। वाटर कहाँ से आया, रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। और सनलाइट कहाँ से ली गई, क्लोरोफिल के द्वारा। आई रिपीट कि जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता है, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, जिसको मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और उसका काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। द वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। अब ये तीनों चीज़ें ले तो ली, पर ये काम कैसे करेंगी, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या करेंगे, फूड बनाएंगे। इसे हम रिएक्शन के थ्रू भी पढ़ते हैं। क्या है रिएक्शन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन किया, वाटर के साथ, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक रिएक्शन होती है। तो क्या है, एरो हमने इस साइड लगाया है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारे प्रोडक्ट यानी कि फूड। तो क्या क्या बना उससे, ऑक्सीजन प्लस कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ वाटर के साथ किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बना दिया, ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर तोड़ने पे उस पर वाइट वाइट सा मटेरियल निकलता है, तो वाइट मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो आप जब भी देखें किसी लीव को तोड़ के अगर उसमें से कोई वाइट पिगमेंट निकल रहा है, वाइट सा मटेरियल निकल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है हमारा, फोटोसिंथेसिस का। क्यों, क्योंकि जो स्टार्च है वो कहाँ से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आएंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फाइन, तो जहाँ पर स्टार्च आपको दिखे या कार्बोहाइड्रेट्स दिखे, तो यानी कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसी रिएक्शन को हम दूसरे वे से भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या होता है हमारा, वाटर होता है, किसकी प्रेजेंस में कंबाइन करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या देंगे हमें, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस वाटर देंगे प्लस ऑक्सीजन देंगे। हम पिछले रिएक्शन लिखे या ये रिएक्शन लिखे, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन इज़ फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस किस प्लांट में अकर होगा, ओनली ग्रीन प्लांट्स में। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, मैं बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर ग्रीन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट नहीं होगी, और सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, थैंक यू।